जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को हम कंबाइंड करके देखते हैं जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। और आज हम 27 फरवरी का जो एनालिसिस है वो करने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक है वो कम है क्योंकि सैटरडे को जो आर्टिकल्स है वो ज़्यादा नहीं आते हैं और इतने इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो है वो भी नहीं निकल कर आते हैं, लेकिन फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हर रोज की तरह आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आ रहा है और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, जब तक आपको क्वेश्चन में इनकरेक्ट नजर ना आए तब तक उसे करेक्ट जो है वही कंसिडर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही कौन सा है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इज प्रिपेयर्ड एंड रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। दूसरा है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है वो क्वार्टरली रिलीज किया जाता है। थर्ड है कि क्रूड ऑयल जो है हाइएस्ट वेट हमें कोर इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग इन द अराइवल एट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से स्टेटमेंट सही है पूछे गए, 1 only, 2 and 3, 1 2 3, none of the above। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो एक ही हमें सही नज़र आता है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है प्रिपेयर्ड और रिलीज किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, नाम चेंज हुआ। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है रिलीज किया जाता है हर महीने, क्वार्टरली रिलीज नहीं किया जाता है। इंडेक्स जो है कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग लैस्पेरिस फॉर्मूला जो है उसके थ्रू। यहाँ पर जो कोर सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के वो कोल, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, ये हमें देखने को मिलते हैं। अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि MM Academy ऐप पर इकोनॉमी जो सीरीज है, कोर्स है, वो आ चुका है और इकोनॉमी के कोर्स में आज ही मैंने जो चैप्टर मैं वहाँ पर PPT उसकी बना रहा था तो उसके PPT में ही ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है वो आ जाए। तो इसीलिए 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने अभी PPT जो है उसमें कवर किया हुआ है इकोनॉमी के, और वही आज फॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ पर इसकी PPT बना रहा था न्यूज़पेपर एनालिसिस के तो उसमें यही क्वेश्चन जो है वो मुझे दिखा और काफ़ी अच्छा लगा। रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है कैटेगरी हाइएस्ट वेट इंडेक्स में देखने को मिलता है हमें IIP के। और ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेता हूँ ये करंट इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, मतलब करंट इश्यूज में चल रहे हैं इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी के फैक्टर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मैक्सिमम हमें इंडियन एक्सप्रेस जो उसी के देखने को मिलते हैं, द हिंदू जो है उसके इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर कैरेकल अब ये एंडेंजर्ड है तो यहाँ पर एक हमारा GS Paper 3 जो है उस परस्पेक्टिव से क्वेश्चन निकल कर आता है। देन यहाँ पर ये दोनों जो एडिटोरियल हम कंबाइन करके देखने वाले हैं ये बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लाए हैं, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था ना कि जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर टेक कंपनीज के लिए गवर्नमेंट लाई है उस पर अब कंटिन्यूसली हमें एक्सप्लेन सीरीज, एडिटोरियल्स ये सब देखने को मिलते रहेंगे। और ऑलरेडी एक्सप्लेन सीरीज में हमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देखने को मिला था जो हमने कल ही कवर किया था, अब यहाँ पर एडिटोरियल जो है कंटिन्यूसली देखने को मिलते रहेंगे। अब देखिए जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते रहेंगे वो हम एडिटोरियल कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आज जो मैं कवर कर रहा हूँ ये फाइनल रहेगा, क्योंकि आज भी मुझे इतने सफिशिएंट पॉइंट्स, इतने अट्रैक्टिव पॉइंट्स जो है वो नहीं मिले हैं कि आप अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपके पास सफिशिएंट आंसर रहे। ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर जानेंगे, लेकिन फिर भी उस तरीके की चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली है। तो वो जब तक नहीं आएगी तब तक हम इसके बारे में देखते रहेंगे और फिर फाइनल एक सही वीडियो जो है उसमें मैं इसके बारे में चर्चा जो है वो करूँगा। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एग्जाम के लिए तैयार किया जाए, ना कि फालतू बातों के लिए। नहीं तो क्या है कि एक एक वीडियो पर 15-15 मिनट के, एक एक टॉपिक पर 15-15 मिनट के वीडियो जो बनते हैं वो मैं बना सकता हूँ आराम से। अब यहाँ पर है इंडिया आउट ऑफ रिसेशन, इंडिया जो है वो रिसेशन के बाहर, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो टेक्निकल रिसेशन के बाहर जो है वो आ चुका है। तो इसके बारे में भी जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टेक्निकल रिसेशन के बारे में ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ था। अब वीडियो शुरू करने से पहले MM Academy ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी कम्प्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ इकोनॉमी जो है वो चल रहा है और उसी के साथ साथ आपको लोवेस्ट प्राइजेस मिल रहे हैं। अब देखिए MM Academy ऐप जो इसकी खासियत क्या है,
खासियत क्या है कि यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो तो मिल ही रहा है, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरा एक खासियत यह है कि लोएस्ट प्राइजेस में मिल रहा है, ठीक है, एकदम लोएस्ट से लोएस्ट प्राइजेस है। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, मतलब एक बार अगर आप ले रहे हो तो जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, वो सभी आप देख सकते हो। लेकिन बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी ये डिमांड भी होती है कि सर हमें पर्टिकुलर कोर्स जो है वो परचेस करना है, मतलब सभी कोर्सेज जो है वो हमको नहीं लेने हैं, पर्टिकुलर जो कोर्सेज है वही हमें परचेस करना है। फॉर एग्जांपल किसी को अगर इंडियन पॉलिटी चाहिए, क्योंकि काफ़ी एडवांस कोर्स है, तो किसी को सिर्फ इंडियन पॉलिटी चाहिए तो हमको इंडियन पॉलिटी जो है वही परचेस करना है। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ ऐसा पर्टिकुलर कोर्स वाला जो है वो भी हमको चाहिए, तो वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज भी अवेलेबल है, जी हाँ, जिसका जो पर्दाफाश है वो मैं करूँगा आज रात को 9 बजे उसका पर्दाफाश जो है वो होने वाला है। और आज रात को 9 बजे आपको कहाँ मिलने वाला है इसका पर्दाफाश? टेलीग्राम पर मिलने वाला है। टेलीग्राम आप सभी को पता है, मयूर मोगरे सर्च करना है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको इसका जो सीक्रेट है वो मिल जाएगा। 8 या 9 बजे मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो चीज़ है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसलिए ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर कैरेकल इज नाउ एंडेंजर्ड, ये वाला हमें देखने को मिलता है। कैरेकल ये अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, ये कैट है बेसिकली, ठीक है, मतलब नाम देखो तो एकदम धंधरा था, और यहाँ पर देखो तो एकदम बिल्ली। तो यहाँ पर कैरेकल जो है इज नाउ एंडेंजर्ड, अब ये एंडेंजर्ड है ऐसा बोला जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, पहले इसका क्या स्टेटस था, और ये क्या है, कहाँ पाए जाते हैं? क्योंकि देखिए जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, आप समझिए कि अगर कोई कोई फिश है, ठीक है, या फिर अगर कोई एनिमल है, या फिर अगर कोई बर्ड है, ठीक है, जो भी इनका IUCN स्टेटस जो है वो चेंज होता है, IUCN स्टेटस आप सभी को पता होगा, वो क्या होता है कि इनका इनको अपनी ज़िंदगी में कितना थ्रेट है, ठीक है, उस हिसाब से इनको IUCN लिस्ट में डाला जाता है। मतलब अगर बहुत ही कम है तो एकदम नियर थ्रेटेंड जो है उस तरीके से डाला जाएगा, लीस्ट कंसर्न जो है वो डाला जाएगा, देन उसके बाद वल्नरेबल जो है वो डाला जाएगा, एंडेंजर डाला जाएगा, क्रिटिकल एंडेंजर डाला जाएगा, फिर उसके बाद एक्सटिंट इन वाइल्ड डाला जाएगा, एक्सटिंट डाला जाएगा, तो इस तरीके से, मतलब अगर पूरे ख़त्म हो गए तो भैया एक्सटिंट हो गए, है ना। तो इस तरीके से हमें जो कैटेगरीज है वो देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं कि अगर किसी का भी स्टेटस चेंज किया गया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है कि भैया स्टेटस क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ यह होती है कि कहाँ के नेटिव है, मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि इनकी प्रजातियाँ कहाँ कहाँ पर मिलती है। चौथा ये पाया जाता है कि इंडिया में अगर उसका कोई वर्चस्व है, इंडिया में अगर कोई पर्टिकुलर राज्य में, स्टेट में अगर उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है तो स्टेट के बारे में आपको पूछा जा सकता है। देन फाइनल क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको कोई अच्छा खासा कुछ दिया गया है, क्या शेड्यूल 1 में रखा गया है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में रखा गया है, साइट्स की इसमें कहाँ पर रखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सभी सवालों के जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि ये न्यूज़ में है, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लास्ट मंथ जो कैरेकल है मीडियम साइज वाइल्ड कैट है, ठीक है, जो राजस्थान एंड गुजरात के कुछ पार्ट्स में हमें देखने को मिलती है, उसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उसमें रखा गया है, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उसमें रखा गया है। अब यहाँ पर ग्रेव थ्रेट इसको है क्या, क्योंकि क्या हमने देखा हुआ है कि जो भी ये एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ये सब जो कैटेगरीज में डाला जाता है, ये क्यों डाला जाता है, उनको कितना थ्रेट है, कितना डर है उस बेसिस पर। तो यहाँ पर इनको इतना थ्रेट जो है वो तो नहीं है, तो फिर क्यों डाला गया है, क्योंकि ये ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है भाई साहब, मतलब ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, इसीलिए इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया है। अब इस कैट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, है ना, बिल्ली मवेशी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिसाइड्स इंडिया ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, इंडिया में तो हमने देखा कि भैया राजस्थान है एंड गुजरात है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये जो है ये सेवरल डजन कंट्रीज जो अक्रॉस अफ्रीका वहाँ पर देखने को मिलता है, मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है, सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में हमें देखने को मिलता है। वाइल्ड कैट अगर हम देखते हैं तो इसके लॉन्ग लेग हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग लेग जो है वो हमें देखने को मिलता है, शॉर्ट फेस हमें देखने को मिलता है, छोटा सा चेहरा होता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भैया यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं और फीचर्स के हिसाब से आप बताइए क्या है, और KBC में अगर आपका नंबर लगता है तो आपको सीधा फोटो से पूछा जाता है कि क्या है बताओ। लॉन्ग कैनाइन टीथ जो है वो हमें देखने को मिलता है, और डिस्टिंक्टिव ईयर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर्स जो है काफ़ी डिस्टिंक्टिव है, इस तरीके से लॉन्ग पॉइंटी, यहाँ पर आप पॉइंट जो है वो देख सकते हो, तो पॉइंटी ईयर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, विथ टफ ऑफ ब्लैक हेयर एट द टिप, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए
तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आइकॉनिक ईयर जो है, इनके ईयर जो है, कान जो है, ये काफ़ी आइकॉनिक होते हैं, है ना। इसके वजह से इसको करैकल जो है वो नाम दिया गया है, ठीक है, मीनिंग ब्लैक ईयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे पॉइंटेड, मतलब यार क्या सुंदर, मतलब अजीब ही है। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इसको सिया घोष जो है वो कहा जाता है, और उसी के साथ यहाँ पर पर्शियन नेम जो है ट्रांसलेट एज ब्लैक ईयर, ठीक है। तो इस तरीके का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। संस्कृत फेबल एग्जिस्ट अबाउट अ स्मॉल वाइल्ड कैट नेम्ड दीर्घा कर्ण या फिर लॉन्ग ईयर्ड, ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो मतलब फीचर जो है वो आपको पता रहना चाहिए, खासकर इतना ज़्यादा जो उसके कानों के बारे में बोला गया, तो कानों के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। एक भी स्टेटमेंट अगर कानों के बारे में दिख गया तो फट से पहचान लेना भैया करकल के बारे में बात हो रही है। अब थोड़ा इतिहास अगर हम देखते हैं, क्या ये अभी पाए जा रहे हैं, अभी देखने को मिल रहे हैं? जी नहीं, इसका जो एग्जिस्टेंस है काफ़ी पहले से देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर डेटिंग बैक टू सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली, भाई साहब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है तब से हमें देखने को मिल रहा है। मतलब अब आपको सवाल क्या आ सकता है, सवाल ये आ सकता है एंशियंट हिस्ट्री, आपको लगेगा सवाल जो है वो तो एंशियंट हिस्ट्री का है। एंशियंट हिस्ट्री के सवाल में पूछा जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वेल नोन फॉर हॉर्सेस, दूसरा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द करैकल कैट वर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप बोलोगे सवाल जो है वो तो एंशियंट हिस्ट्री का है, सवाल जो है वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, हॉर्सेस के बारे में तो हमको पता है कि भैया हॉर्सेस थे या नहीं थे, वो तो हमको अच्छे तरीके से पता है क्योंकि हमने एमएम एकेडमी के जो एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर्स है वो देखे हुए हैं। लेकिन मगर हमने करैकल जो उसके बारे में नहीं सुना, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एमएम एकेडमी के लेक्चर्स देखे और उसमें जो कोर सब्जेक्ट्स है उसके बारे में देखे, जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो नहीं देखा, है ना। तो मतलब करैकल जो है वो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसमें भी देखने को मिलता है, उसके एविडेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। करैकल जो है ट्रेडिशनली बीन वैल्यूड एज लिटीनेस एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी, यहाँ पर बर्ड जो है फ्लाइट में कैच करने के लिए, मतलब उड़ उड़ के भैया ये बर्ड्स को पकड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिवल इंडिया में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हंटिंग जो है उसके लिए इसको रखा जाता था। अब हमने देखा हुआ है ना एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर्स में कि पहले के ज़माने में नॉमेडिक लोग थे, ठीक है, नॉमेडिक जो लोग थे वो क्या करते थे, जो डॉग्स हैं उनको डोमेस्टिकेट किया करते थे। डोमेस्टिकेट क्यों किया करते थे, उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे कारण मतलब पहले तो ये दूध वूध ये सब तो था ही नहीं, पहले तो ये था कि भैया शिकार करने में हेल्प करते थे, है ना। तो वो सबसे बड़ा कारण जो है वो देखने को मिलता था। बाद में फिर धीरे धीरे हाँ भैया दूध वूध जो है उसके लिए भी डोमेस्टिकेशन हो रहा है, शीप का डोमेस्टिकेशन हो रहा है, कैटल्स का डोमेस्टिकेशन हो रहा है, धीरे धीरे फिर हमें ये देखने को मिला। और इसके जो बरियल साइट्स थे उसमें भी देखने को मिले कि जो इंसान जो है, जो अगर उसका ओनर मर रहा है तो जो जो उसके पालतू जो भी जानवर थे उनको भी उसके साथ बरी कर दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक जो है हैड सिया गोजदार खाना, मतलब यहाँ पर हाउस्ड लार्ज नंबर ऑफ कर्सिंग करैकल। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को, अपने अपने शौक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, रॉबर्ट क्लाइव पता है ना आप सभी को भैया, पहले पहले तो इसी का नाम सुना होगा, एमएम एकेडमी पर जो मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर्स है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट भी थे। आप बोलते हो यार ये एमएम एकेडमी में कितना नाम ले रहा है, लेना पड़ता है यार, लेना पड़ता है, क्या करें। तो यहाँ पर प्रेजेंटेड विद द करैकल आफ्टर ही डिफीटेड सिराजउद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो 1757 जो है बैटल ऑफ प्लासी में हराने के बाद इसको भी यहाँ पर गिफ्ट जो है वो किया गया था, ठीक है। देन कॉजेस ऑफ डिक्लाइन, अब यहाँ पर डिक्लाइन का अगर हम कॉजेस देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है भैया इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, इसकी वजह से क्या हुआ, जो इकोलॉजी उनकी फ्रेगमेंट हो गई। अब जो यहाँ पर क्या होता है, जब एक कोई जानवर जो है उसकी यहाँ पर तादाद कम होती है, जो उसका इकोलॉजी यहाँ पर नष्ट होता है, तो प्रेडेटर जो होता है उसकी भी इकोलॉजी जो है वो खतरे में आ जाती है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पर साइकिल होती, फूड साइकिल होती, तो फिर तो नष्ट होने में कोई ज़्यादा देरी नहीं लगती, लेकिन हमारे यहाँ पर फूड वेब है। पता है फूड साइकिल एंड फूड वेब में क्या फ़र्क है? साइकिल मतलब क्या होता है कि एक है उसके पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, मतलब यहाँ पर समझ लो यहाँ पर प्लांट्स है, ठीक है, उसके उधर समझ लो रैबिट है, ठीक है, फिर उसके उधर समझ लो डॉग है, फिर उसके उधर समझ लो शेर है, ठीक है। इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ये अगर रैबिट जो है वो ख़त्म हो गए तो ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, है ना। लेकिन फूड वेब में क्या होता है कि यहाँ पर रैबिट और उसी के साथ यहाँ पर समझ लो कोई दूसरा भी जानवर है जो यहाँ पर ये खा रहा है, फिर ये इस पर भी डिपेंडेंट है, ये भी इस पर डिपेंडेंट है, इस पर डिपेंडेंट है, इस पर, मतलब अगर एक एक की संगली ख़त्म भी हो गई ना तो दूसरे जो है वो रहते हैं। फूड वेब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर करैकल जो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि जिससे क्या होगा सेंट्रल फंडिंग जो है वो मिल जाएगी उसके कंजर्वेशन के लिए, नहीं तो क्या अगर उसको नहीं डाला गया तो फिर कंजर्वेशन के लिए कोई पैसा वैसा जो है वो नहीं मिलेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे वेस्टलैंड जो निग्लेक्टेड है उसको भी हम यहाँ पर फिर से जिंदा कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, इन शॉर्ट जो इसकी साइट्स होगी उसको फिर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसकी जो तादाद है
उसके लिए पैसा इकट्ठा होगा, मतलब इन शॉर्ट सबका जेब जो है वो भरता जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर करेकल जो है उसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी अच्छे तरीके से मिल गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस बिग टेक। जैसे कि हम सभी ने कल ही देखा था कल के एनालिसिस में कि कल हमने क्या देखा, सोशल मीडिया गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई है, उसमें क्या क्या किया गया है। उसमें सबसे पहले तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप हो गया, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है उनको यहाँ पर जो भी अनलॉफुल मैसेजेस होते हैं जो हमारे कानून के अगेंस्ट में है, ऐसे अगर कोई मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं तो ओरिजिनेटर जो है उसको आइडेंटिफाई करो, ये यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके द्वारा बोला गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। देन उसके बाद हमने देखने को मिला कि यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी है ना, अगर उन्होंने नोटिफाई किया कि भैया ये जो चीज़ है ये ख़राब है, ये जो चीज़ें हमारे देश के अगेंस्ट में जा रही है, ये जो चीज़ें हमारे कानून के अगेंस्ट में जा रही है, तो इसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। कोई भी ट्वीट हो, कोई भी मैसेज हो, कोई भी चीज़ हो, तो उनको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर उन पर कोई चार्जेस जो है वो नहीं लगेंगे। अगर वो नहीं हटाते हैं तो फिर चार्जेस लगेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उसको डिवाइड किया गया नंबर ऑफ़ यूज़र्स पर, एक है मीडिया इंटरमीडिएटरीज जो स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स है, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है जिनका अच्छा खासा वर्चस्व देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज अगर हम देखते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज ये अगर हम देखते हैं, मतलब यहाँ पर कौन से हो गए, बिग वंस है ना, बिग वंस सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज अगर हम देखते हैं, तो उनको यहाँ पर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसके तहत यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सारी चीज़ें जो है, जो भी ग्रीवेंसेस आते हैं ये सारी चीज़ें फटाफट देखी जाएगी और 24/7 काम करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया यहाँ पर आपको 2 बजे अगर कोई ट्वीट ऐसा हो गया जिससे दंगा फसाद हो सकता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो भी किया है, तो गवर्नमेंट के पॉजिटिव्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो तो यही चाहती है कि नेगेटिव, जैसे आप सभी को पता है अगर आपने रॉकस्टार मूवी भी देखी कि नेगेटिव बिकता है ना। अभी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बजाय अगर मैं गवर्नमेंट को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दूँ, अगर मैं अभी देखिए ना, अभी मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर मोदी रोजगार दो इस पर एक वीडियो बनाया, ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पर जो मतलब इस तरीके का था कि गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है उनसे हम रोज़गार जो है वो मांग रहे हैं, तो उस पर सीधे 10,000+ व्यूज़ जो है वो चले गए, है ना। तो मतलब क्या है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती है या फिर जो कॉमेडी चीज़ें होती है या फिर जो मजाकिया चीज़ें होती है वो ज़्यादा बिकती है, वो ज़्यादा लोग देखना भी पसंद करते हैं रैदर देन क्वालिटी। तो इसलिए कैसा है कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो जो वीडियो मैंने बनाया वो दिखने में भले ऐसा लग रहा होगा कि उसको बहुत वक्त लगा है, बहुत एडिटिंग लगी है, लेकिन यकीन मानिए वो पूरा वीडियो जो है, पूरा का पूरा मतलब कुछ 6 मिनट का वीडियो है वो पूरा का पूरा वीडियो जो है वो बनाने मुझे समझ लीजिए 45 मिनट्स के भी अंदर लगे, 45 मिनट्स के भी अंदर। और यहाँ पर जो न्यूज़पेपर होता है उसकी सिर्फ PPT बनाने के लिए मुझे 1.5 घंटा जो है, 1 घंटे से 1.5 घंटा जो है वो लग जाता है, तो कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं अगर कोई ज़्यादा एडिटोरियल्स होते हैं तो। मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर ज़्यादा क्वालिटी लेनी पड़ती है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, लेकिन बाकी के जो वीडियोज़ होते हैं वो आप शेयर करने लग जाते हो। तो ये चीज़ें होती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी पता है कि हाँ यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल बातें करेगा, यहाँ पर जो टेक्निकल बातें करेगा वो नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई फालतू की बातें हैं तो लोग ज़्यादा शेयर करेंगे, ऑफेंसिव स्पीचेस है तो लोग ज़्यादा शेयर करेंगे, वायरल हो जाएगा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो ज़्यादा लोग उसके प्लेटफॉर्म पर आएंगे, करेक्ट है। अब स्टेट जो है इसलिए वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, उनको निकालने के लिए हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। स्टेट जो है वो गार्डियन है पब्लिक इंटरेस्ट के, है ना, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है कि यहाँ पर गार्डियंस जो है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर लोगों के कुछ खतरा हो रहा है, लोगों के विपरीत अगर कुछ जा रहा है, लोगों के अगेंस्ट में कुछ जा रहा है, तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस जाती है उसको प्रोटेक्ट करने की। गवर्नमेंट जो है टेक्निकली उनके पास एबिलिटी है कि वो एंटायर प्लेटफॉर्म जो है उसको ऑफलाइन ले जा सकते हैं, एंटायर प्लेटफॉर्म, जैसे हमने देखा टिकटॉक जो है एंटायर प्लेटफॉर्म बंद कर दिया गया, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज को ये भी पता है कि हाँ यार गवर्नमेंट अगर ऐसे करने की भी कोशिश भी करे ना तो लोग जो है विद्रोह कर ही देंगे, मतलब बहुत सारे लोग निकल कर आ जाएंगे रास्तों पर कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो उसको छीना जा रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो उनको पता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन जो है, बड़े बड़े निगोशिएशन वो शुरू है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब सिग्निफिकेंस जो है वो इसका क्या होगा, पॉलिसी जो है यहाँ पर कोशिश की गई है कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है बनाई जा सके, मतलब जो ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, अभी आप देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी सीरीज़ आ रही है ना, जो मतलब हमें टीवी सीरियल्स में एक्टर्स देखने को मिल रहे थे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज़ कर रहे हैं,
और उसमें सॉफ्ट पॉर्न, मतलब ये सारी चीज़ें है ना, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है एकदम बिंदास तरीके से, है ना, कोई रोक रुकावट ही नहीं है। मतलब ऐसा हो गया है कि जो टीवी है उस पर सब लोग देख रहे हैं, OTT जो है अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, ऐसी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। इससे क्या होता है, इससे जो यूथ है ना, यूथ जो पूरा मार्केट उनका चला गया ना टीवी पर का, जो टीवी चैनल्स है, जो ब्रॉडकास्टर्स है, उनका तो पूरा मार्केट चला गया, क्योंकि अब जो यूथ है वो शिफ्ट हो जाएंगे इस पर, बाकी जो लोग है वो इतना देखेंगे नहीं, है ना, तो वो नुकसान हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर वो चीज़ें आ जाएगी, यहाँ पर भी अगर वो सेंसरशिप आ जाएगी, यहाँ पर भी अगर वो रुकावटें आ जाएगी, तो क्या होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बन जाएगा। सेम गोज़ फॉर प्रिंट मीडिया ऑल्सो, सेम गोज़ फॉर ऑनलाइन न्यूज़ चैनल्स ऑल्सो, है ना, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलियन कम्युनिकेशन एंड मीडिया अथॉरिटी जो उसने वेलकम किया है और कहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस ऐसे हैं जिनको रियल या फेक इंटरनेट पर जो भी न्यूज़ आ रही है वो सही है या गलत ये पता ही नहीं चलता है ना, ये भी है, हम चेक भी नहीं करते हैं, हमारे आइडियोलॉजी के हिसाब से कोई न्यूज़ दिखी चलो भैया शेयर कर दो। UK में गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर नया लॉ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लाने के लिए पूरी बेताब है, पूरे तैनात है, तलब लगी है, और यहाँ पर जो कंपनीज है अगर वो ऐसे कंटेंट जो आपत्तिजनक हो उनको रिमूव नहीं करते हैं तो सीधा उन पर पनिशमेंट जो है वो भी यहाँ पर लादने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको कहा ओवर द टाइम पीरियड इसमें और कोई नई चीज़ें ऐड होती रहेगी तो हम वो भी ऐड करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो चीज़ है ये भी देख ली, आज ये जो आर्टिकल है ये भी देख लिए, अब लास्ट यहाँ पर एडिटोरियल या आर्टिकल हमें देखने को मिलता है इंडिया आउट ऑफ रिसेशन। तो इसमें देखिए बेसिकली जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो GDP है वो कैलकुलेट किया जाता है। GDP मतलब क्या है, GDP मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, है ना, हमारे पास मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। MM Academy ऐप पर जो इकोनॉमी के लेक्चर्स है उसमें सेकंड जो लेक्चर है, मतलब थर्ड, अगर टेक्निकली मैं बात करूँ थर्ड लेक्चर जो है, ठीक है, तो उसमें GDP के बारे में डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं GDP, इसमें होता है कि ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में जो MM Academians है जो लेक्चर देख रहे हैं वो बोलेंगे सर आप गलत बोल रहे हो, पकड़ लेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पर मैंने जोर दे देकर काफ़ी टेक्निकल इससे वहीं पर वीडियो में आपको पूरा पता चल जाए, उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया था जोर दे देकर कि ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज है क्या, जी नहीं, यहाँ पर एक वर्ड है, क्या है, फाइनल, ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इसको हम कहते हैं GDP, बराबर है, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ स्पेसिफिक टाइम। अगर हमें 2020 का निकालना है तो 2020 के लिए उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, है ना, और फाइनल। अब देखिए अगर कोई कार बनानी है तो कार के लिए लोहा लगता है, स्टील लगता है, प्लास्टिक लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो ये अगर प्रोड्यूस हो रही है तो हम इसको नहीं बोलेंगे गुड्स, अगर उससे कोई गाड़ी बन रही है तो गाड़ी फाइनल गुड्स हो गई तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे हमारे GDP में, बराबर है। देन उसके बाद हमने GVA ये सारी चीज़ें देखी थी। अभी क्या हुआ है कि GDP हम साल भर का निकालते हैं, साल भर के GDP के साथ साथ हम क्वार्टर का भी निकालते हैं, ठीक है, क्वार्टर, बहुत सारे लोग जो है क्वार्टर सुन के खुश हो रहे होंगे पर लॉकडाउन क्वार्टर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वार्टर निकलता है, ठीक है, क्वार्टरली जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, मतलब क्या है, हमारा 12 महीने का एक साल होता है और उसमें 4 क्वार्टर देखे जाते हैं, ठीक है, तो कितने कितने हुए, 30-30 ml, है ना, मतलब 3-3 महीने के क्वार्टर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो अप्रैल से गिन लो 3 महीना, वो हो गया फर्स्ट क्वार्टर, देन उसके बाद सेकंड गिन लो, हो गया सेकंड क्वार्टर, देन दिसंबर तक होता है थर्ड क्वार्टर, देन जनवरी फरवरी मार्च, ये होता है हमारा फोर्थ क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, और हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है। तो क्वार्टरली ग्रोथ भी निकालते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में जब हमने देखा था तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा समझ लो कि 29% जो है, -24% जो है वो हमें GDP ग्रोथ देखने को मिली थी, मतलब नेगेटिव में चली गई थी। देन सेकंड क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो उसमें कितना था यार, 7, है ना, -7% जो है वो हमें देखने को मिला था। देन उसके बाद थर्ड क्वार्टर जो है उसके भी आंकड़े आ गए हैं, तो मतलब पहली इसमें -24, देन -7, तो मतलब क्या हुआ, कंसेक्यूटिव 2 टाइम में माइनस नेगेटिव में हमें GDP ग्रोथ रेट देखने को मिला। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेक्निकल रिसेशन,
देखिए क्या है, एक तरफ हमारी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन देखने को मिलती है, ठीक है, एक तो फास्ट चल रही है, देन स्लो डाउन देखने को मिलती है, देन रिसेशन देखने को मिलता है, देन डिप्रेशन देखने को मिलता है। फास्ट मतलब तो अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है, स्लो डाउन मतलब क्या है कि हमारी जो GDP है एक क्वार्टर में समझ लो कि 5% से चल रही थी, सेकेंड इसमें 3% पे आ गई, मतलब स्लो डाउन हो गया है ना। रिसेशन मतलब क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव इसमें फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड दो कंसेक्यूटिव टर्म में अगर हमारी GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में चल रही है, नेगेटिव में कम तो होना है, नेगेटिव में चल रही है, ठीक है, उसमें अगर बढ़ भी गई तो भी चलता है, यहाँ से -24 है, यहाँ से -7 है, मतलब सेकेंड इसमें बढ़ी है हमारी GDP ग्रोथ, लेकिन फिर भी माइनस में है, नेगेटिव में है, इसलिए वो रिसेशन जो है वो कहलाता है। डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि अब हमारी जो इकोनॉमी है वो उभरने में काफ़ी वक्त ले लेगी, है ना, तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे तो अभी हमारी GDP ग्रोथ रेट है एकदम वी कर्व जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर आप देखिए वी कर्व जो है वो देखने को मिल रहा है और +4% जो है वो हमें GDP ग्रोथ रेट देखने को मिली है। तो यहाँ पर टेक्निकल रिसेशन इसके बारे में पता रहना चाहिए, हमारी जी क्वार्टरली GDP ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हुई है वो आपने देखना है, बाकी कुछ भी ऐसा जानने लायक नहीं है, तो फालतू वर्क जो है अपना ज़ाया मत कीजिए। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। MM Academy ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए और आज का सरप्राइज़ आपके लिए आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो वो वाला जो पैच है सरप्राइज़ क्या है वो पैच अगर आपने मिस कर दिया है तो जाइए बैक कीजिए इस वीडियो को, और जो MM Academy का मैंने थोड़ा प्रमोशन किया है, MM Academy का जो ऐप है वो स्क्रीन पर है तो वो देखिए, उसे मैंने सरप्राइज़ के बारे में बात की है, तो वो क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, चैन।